हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास स्टीम में ये एरर आ रहा है तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर वन, आपको रन कमांड ओपन करना है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर ओके कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ऑल टेम्पररी फाइल सेलेक्ट कर यहाँ पर से इसको आपको डिलीट कर देना है। ओके ओके गाइस, फिर आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है। फिर से आपको रन कमांड ओपन करना है। विंडोज की प्रेस करते हुए आप आर प्रेस कीजिए, रन कमांड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप करना है, फिर आपको यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये ऑल फाइल्स को आपको सेलेक्ट कर इसको भी आपको डिलीट कर देना है यहाँ पर से। उसके बाद दोस्तों आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है। फिर स्टेप नंबर टू, आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर टाइम एंड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर चेक करना है आपके पास पीसी में डेट एंड टाइम करेक्ट है या नहीं। अगर आपके पास करेक्ट नहीं है तो आप उसको करेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेट टाइम ऑटोमेटिकली, इस फीचर को आपके पास जो है टर्न ऑन कर देना है, अगर आपके पास ये टर्न ऑफ है तो। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली, इस फीचर को भी आपको टर्न ऑन कर देना है। उसके बाद आप जो है इसको क्लोज कीजिए यहाँ पर से। उसके बाद आप अपने पीसी को रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गए तो आपको यहाँ पर ये लास्ट मेथड बताने वाला हूँ, आप इसको फॉलो कीजिए। स्टेप थ्री, आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आप सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर ऐप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप्स एंड फीचर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर सर्च बार में क्लिक कर टाइप कर देना है। आपको यहाँ पर स्टीम टाइप कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर फिर से अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक कीजिए, स्टीम एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से स्टीम एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कीजिए आपके पीसी में, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली ये एरर रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।